नमस्कार आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन स्टोरम ई मैं रूपेश कुमार मिश्र और एक नए वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ देखिए इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये है आप लोग का एल पार्ट टू एग्जामिनेशन 2023 थाउजेंड सेटिंग का जो एग्जामिनेशन हुआ है आपका मतलब कि फिजिक्स का ठीक है जी उसका आंसर की हम लोग देखेंगे यहाँ पर चार ऑप्शन है इसमें दिया हुआ आपका ए बी सी डी इसमें से एक ऑप्शन मैं जो बताऊंगा वो बिल्कुल आपका 98 परसेंट ये आंसर की सही है एक से दो परसेंट का मिस्टेक मैं हर एक वीडियो में पहले बोल देता हूं कि नॉर्मल सी बात है क्योंकि ये एम है डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मिलता नहीं उसको रीड करना पड़ता है तो पॉसिबिलिटी है कि मिस्टेक हो सकता है तो इसके लिए कोई चिंता का बात नहीं है आप लोग सेवेंटी फाइव पर ऑब्जेक्टिव है तो प्रयास रहेगा कि सेवेंटी सेवेंटी तक मैं आपको करेक्ट बताऊँ आप लोग अपने आंसर का वेरिफिकेशन यहाँ पे कर लो क्योंकि ये परीक्षा आप लोग का दोबारा लिया गया है क्योंकि ये 26 को हुआ था 26 सिक्स ऑफ ट्वेल्व एंड टू को और इसी एग्जाम को रीशेड्यूल्ड किया गया पेपर लीक होने की वजह से खैर उतना हमें नहीं जानना है आ, रीजन क्या था ये तो आपको पता ही है कि दोबारा आप लोग का नौ तारीख को जनवरी में लिया गया है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बगल में बेलाइकन है प्रेस कर लीजिए अगले साल भी आपको इसी तरह का वीडियो मिलेगा साथ में कंटिन्यू मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका बेनिफिट आपको मिले एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस का फायदा मिले इसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़ के रहना है नाउ लेट मी स्टार्ट और मैं आपको बताता हूं कि राइट right आंसर क्या है आपके अपने सामने में क्वेश्चन पेपर रखना है ठीक है जी टेलीग्राम ग्रुप को पहले आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन हो यूनिवर्सिटी का अपडेट हो नोट्स मटेरियल सब कुछ भेजा जाता है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है देखिए पहला क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ये पहला है ठीक है इस साइड से कट गया है लेकिन आपको इधर दिख रहा है तो राइट ऑप्शन विल बी इंटरफेरेंस ऑप्शन नंबर डी रीजन इसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं मैंने डिस्कस कर मैंने डिस्कस करी भी थी इस पर कि डिस्पर्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ये होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है फिजिकल ऑप्टिक्स फिजिकल ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस होता है डिफ्रेक्शन होता है और यंग्स डबल स्लिट ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं ंगस डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट डी तो राइट right ऑप्शन इसका सीधे टिक करोगे आप डी इंटरफेरेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहला दूसरा है ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेर मीडियम द पार्ट डिफरेंस इज दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑप्शन विल बी बी दैट इज लमडा बाई टू पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे इस लंबा बाई टू निकल जाएगा इसका भी राइट ऑप्शन बी होगा थर्ड का और फोर्थ का भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है बी ऑप्शन ही होने जाएगा क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में हमको पूछ रहा है ब्राइट फ्रिंज कब मिलता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा ऑप्शन बी चलिए पांचवा क्वेश्चन फिलहाल देखते हैं राइट ऑप्शन ठीक है टू म्यूटी कॉस आर विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन इसी तरह जो सिक्स है ना कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शो एनी इंटरफेरेंस पैटर्न तो सिक्स का जो राइट right ऑप्शन होगा दैट विल बी द बी एक्सेसिवली थिन फिल्म यह जो है शो नहीं करता इंटरफेरेंस के पैटर्न को शो बबल करता है थिक फिल्म करता है वेज सेप्ड फिल्म भी इंटरफेरेंस को शो करता है लेकिन अगर एक्सेसिवली हो मतलब कि बहुत अधिक पतला हो तो वो इंटरफेरेंस को शो नहीं करता अगर हम इंटरफेरेंस के बारे में बोलें तो क्या आप बताओगे कि वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि आगे आपके लिए हेल्पफुल वो हो जाए इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू ऑफ ठीक है इंटरफेरेंस द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस इज सेवन का जो राइट ऑप्शन होगा दिस इज वेरी सिंपल दैट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल नॉट हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है ये क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम प्रिंसिपल तो होगा नहीं फर्म ही होगा नहीं तो राइट ऑप्शन विल बी बी अध्यारोपण का सिद्धांत क्योंकि ये क्या होता है द मीटिंग ऑफ टू लाइट वीब ऑफ सीम एम्प्लीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी दैट इज फ्रीक्वेंसीपर पोजिशन प्रिंसिपल तो ऑप्शन बी होगा ईट का जो राइट ऑप्शन होगा वो टिक करो ए दैट इज व्हाइट लाइट जीरो ऑर्डर फ्रिंज कहा आइडेंटिफाई किया जाता है ई ऑप्शन से स्वीत प्रकाश से नाइन का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा नो फ्रिजेस कैन सी द क्वेश्चन इज ऑफ अ प्लेन मिरर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ग्लास प्लेट इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट देन यहां पे आप कोई फ्रिंज को नहीं देख सकते योर नंबर क्वेश्चन नाउ ऑफ इक्वल थिकनेस आर आल्सो कॉल्ड टेन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा हाई हाईडिंग जिसको हम हेडिंगर भी बोल सकते हैं ठीक है थोड़ा डिफरेंट नेम रहता है ए जोन प्लेट हैज द रेडिया ऑफ सक्सेसिव जोन प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल या फिर ऑड इंटीजर्स अंडर रूट वन अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन र एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन ठीक है रेडियस डायरेक्टली प्रमोशनल होता है नेचुरल नंबर की इट मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट जिनने ऑप्शन टी को सी में आ, फिल करा होगा ओ एम आर में उनका ऑप्शन सही है द प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ अ जून प्लेट इज गिवेन बाई दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन आर एन स्क्वायर बाई एन ले दिस इज योर ऑप्शन नंबर ई वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल फोकल लेंथ आपका पूछ रहा है तो ये आप फॉर्मूला से डायरेक्ट इसको डिराइव कर सकते हो आर एन प्लेट अटर्टीन का राइट right ऑप्शन है इट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज सो अक्रोमेटिक एबरेशन इन केस ऑफ डिफ्रेक्शन एट अ नैरो द फ्रिंज विड्थ इज डिफ्रैक्शन का राइट ऑप्शन सी होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रिंज विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वायर के डायमीटर के 15 का राइट ऑप्शन बी होगा विल कॉन्ट्रैक्ट एंड द क्वेश्चन इज द एक्सपेरिमेंट सेटअप गिविंग अ फ्रॉन ऑफर डिफ्लेक्शन ड्यू टू सिंगल लिट इज कंप्लीटली इमोस इन वाटर द फ्रिंज सिस्टम क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा 16 है द वेरी सिंपल क्वेश्चन ई प्लस बी साइंट हीटा इज इक्वल टू एन लेमडा ये ऑलरेडी मैंने जो एक वीडियो इससे पहले अपलोड करा था उसमें आपने देखा होगा यही सेम क्वेश्चन है ई प्लस बी दिया गया वहां पे और यहां पे ए प्लस बी चेंज कर दिया गया है नो बस इतना चेंजिंग है आपका फिलहाल सेवनटीन का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा सार्पर एंड मोर इंटेंस एज द नंबर ऑफ स्लिट्स इन अ प्लेन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग इंक्रीजेस द प्रिंसिपल मैक्सिमम बिकम्स सार्पर एंड मोर इंटेंस मैग्नेटो स्ट स्टैटेटिक्स इज नोन एज एटीन का राइट ऑप्शन ई होगा स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड एक होता है वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक होता है स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जो कि स्थैतिक है जिसको हम लोग कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं तो राइट ऑप्शन ए होगा

तो ई क्रॉस बी राइट हैंड थंब रूल से हम लगाते हैं जी राइट हैंड थंब रूल थंब रूल सिंपल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या एक ट्रांसवर्स वेव है जिसमें साइनोस एक साथ वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का और वो राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वी प्रोपेगेशन दैट इज 90 डिग्री या फिर पॉपेंडिकुलर यू कैन से 21 का फिलहाल देखते हैं द राइट ऑप्शन विल बी ई बराबर सी बी नॉट सी बी नॉट दिस इज द राइट ऑप्शन बी पॉइंटिंग वैक्टर इज ई क्रॉस यू नो एच ऑप्शन नंबर ट्वेंटी टू का होगा सी ई क्रॉस एच बराबर पी दिस इज योर पॉइंटिंग वैक्टर डायरेक्ट फॉर्मूला इसी को हम लोग पॉइंटिंग वैक्टर में डिराइव करते हैं मैक्सवेल के थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रो डायनेमिक वेब इक्वेशन और वो क्या है हमारा कर्ड ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल्टी This is Maxwell third electromagnetic wave equation and curl of H is equal to कर्ल vector plus इज इक्वल by del t which is the modified form of एम्पियस circuital law okay this is fourth जो होता है वो होता है hai modified form of सर्क्यूटर circuital law 23 फिलहाल देखते हैं हम लोग डिटेल में चल रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड ई by एच का अगर हम लोग डायमेंशन निकालें तो आपको जो मिलेगा प्रोडक्ट दैट इज मिलेगा रेसिस्टेंस तो राइट ऑप्शन विल बी ए

उसमें सबसे ज्यादा वेवलिंक किसका होता है अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से माइक्रोवेव का एक्सरे का आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा बाद में हम लोग इसको आगे देखेंगे तो ऑप्शन इसका डी टिक करो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम डिपेंड्स अपॉन ट्वेंटी सिक्स का जो राइट right ऑप्शन होगा बी दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करवाया गया है उस मेटेलिक सर्फेस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी लाइन इन द कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक एक्स रिस्पेक्ट्रम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्वेंटी सेवन का राइट ऑप्शन ए होगा एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट एलिमेंट ठीक है जी जेड बराबर ए माइनस बी करके हम लोग पढ़ते थे ना अंडर रूट भी बराबर जेड इंटू ए माइनस बी तो ऑप्शन नंबर ए 28 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आप लोग का थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम है इसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो कॉम्पटन uh, इफेक्ट के फॉर्मूले से ये निकल जाएगा कॉमटेंस इफेक्ट पर इसको आप लोग सॉल्व कर लो ठीक है ना इस का राइट ऑप्शन होगा एक्सरे दैट इज ऑप्शन नंबर सी 29 ठीक है जी पूछा गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है वन बाई वेव सॉरी वन बाई वेव लेंथ नहीं इट फ्रीक्वेंसी इज वन बट्टा टाइम पीरियड द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इज डिटर्मिंड बाय थर्टी का जो राइट ऑप्शन होगा वो टिक करो आप ए दैट इज फिलामेंट करेंट विच ऑफ़ द following कैन बी यूज इन अ वाइब्रेशनल एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर 31 का राइट ऑप्शन ए होगा लेजर और अगर मैं इसका फुल फॉर्म पूछूं तो लाइट एप्लीफिकेशन इज टाइमुलेटेड ऑफ इमिशन एंड रेडिएशन देखिए वीडियो थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि मैं एक-एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं ताकि आगे भी आप लोग के लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए बसरती आप लोग क्या स्कोर कर पा रहे हो दो सेकंड का समय निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि 75 में आपका ये जो परीक्षा हमारा रिवाइज़ किया गया इसमें कितना आपका आ रहा है और वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो के लिए आप लोगों के लिए मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ टू लाइक्स का और ये आपको कंप्लीट करना है अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा और दूसरे के साथ अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर कर देना है ताकि वो लोग भी अपना यहाँ से आके मिला सके जो उन्होंने परीक्षा में सॉल्व किया है या फिर जो ओ एम भरा है उनको पता चले कि विच ऑप्शन इज करेक्ट और विच इज़ रॉन्ग नाउ अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन एटोमिक क्लॉक्स थर्टी टू का राइट ऑप्शन बी होगा दैट इज क्वैच थर्टी थ्री देखते विच फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ ए लेजर पल्स थर्टी थ्री का राइट ऑप्शन दैट दैट इज इज डी लेजर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ ऑप्टिकल लाइट्स आर अवेलेबल थर्टी फोर का राइट ऑप्शन सी होगा दैट इज थ्री ऑप्शन नंबर सी हाउ मेनी वेज रेडिएशन इमिशन प्रोसेस अकर थर्टी फाइव का राइट ऑप्शन ए होगा दैट इज टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स इज एप्लीकेबल टू थर्टी सिक्स का राइट ऑप्शन जो है वो होगा आपका फॉर थॉम्पसन थॉम्पसन इफेक्ट ओनली ये ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऑप्शन बी होगा थॉम्पसन इफेक्ट कैन बी एदर बी पॉजिटिव और निगेटिव इट मीन ऑप्शन से इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ मूविंग क्वालिस्टिक गैल्बोनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू ठीटा ऑप्शन नंबर ए बिकॉज के ठीटा होता है के इज कॉन्स्टेंट इट मीन ऑप्शन नंबर ए डैम्पिंग इज मस्ट इन तो ऑप्शन नंबर इज यू नो डैंपिंग किसमें मस्ट है दैट इज इन द डेड बिट गेलवानोमीटर तो ऑप्शन नंबर थर्टी नाइन का जो होगा वो होगा आप लोगों का बी डैम्पिंग किसमें मस्ट है डेड बिट गेलवाटर में चार्ज इज मेजर्ड बाय चार्ज किसके द्वारा मेजर्ड किया जाता है तो आप लोग का जो फोर्टी का राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी अबैलिस्टिक गेलवानोमीटर फोर्टी का राइट ऑप्शन प्रक्षेप गैलवेनोमीटर द्वारा

ठीक है एंड इडिल ऑप्शन नंबर ए करंट इज वाटलेस वेन द एंगल ऑफ फेज बिटवीन इट इज यू नो नाइनटी डिग्री ऑप्शन ए वॉट मीटर इज यूज टू मेजर फोर्टी सिक्स का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैरल एजोनेट सर्किट एट रेजोनेंस द वोल्टेज इज मैक्सिमम तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है द टाइम पीरियड ऑफ अ अट ऑसिलेशन ऑफ अ एलसी सर्किट इज दैट इज यू नो फोर्टी एट का राइट ऑप्शन होगा टू पाई अंडर रूट एल सी अगर फ्रीक्वेंसी पूछता तो फिर इसका पॉसिबिलिटी था 49 का फिलहाल देखते हैं 49 का राइट ऑप्शन ई होगा दैट इज सी आर फोर्टी का हमारा हो गया क्या 48 एट ठीक 50 है हमारा 50 का जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी वूज वैल्यू इज गिवन बाय ई सी ऑप्शन नंबर सी एसी करंट क्या है तो 51 का जो राइट right ऑप्शन होगा वो ए होगा दैट इज दूनिडायरेक्शनल वेव ऑप्शन नंबर ए 52 टू इंपीडेंस इज कम्पोज ऑफ रेसिस्टेंस एंड रिएक्टेंस तो 52 का जो राइट right ऑप्शन होगा वो सी टिक करो आप लोग ये सही है अक्यूरी तो ऑप्शन नंबर सीधे सी टिक करो वैल्यू पूछ रहा है रेडियो एक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है भाई तो 54 का राइट right ऑप्शन तो डीके ऑफ द न्यूक्लियर होना चाहिए डीके ऑफ न्यूक्लियर ऑप्शन नंबर डी इसमें होना चाहिए ठीक है या तो फीजन ऑफ न्यूक्लियर होगा या डीके ऑफ न्यूक्लियर सी या डी में से एक ऑप्शन होना चाहिए उसके बाद है इसका तो सिंपल है रिपीटेड क्वेश्चन है तो 55 का ए होगा ये कुछ रिएक्शन हमें दे दिया ये प्रोटॉन इसमें इसका जो राइट right ऑप्शन होगा ए होगा क्यों क्योंकि लेमडा बराबर क्या होता है एच ओवर पी वेव लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेव लेंथ

तो ये आपका हो जाएगा जेड प्रोटॉन्स एंड ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स दिस इज योर राइट आंसर तो इसको आप लोग टिक करो इसमें जेड प्रोटॉन्स होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन यही है और यही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर नीचे वाले पार्ट को ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर और ये अपर वाले पार्ट को हम बोले हैं मास नंबर द एनर्जी इक्विवेलेंट टू वन एम यू इज नाइन थर्टी वन मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट ऑप्शन नंबर सी

डिस्प्लेसमेंट करेंट था और ये क्या था डिस्प्लेसमेंट करेंट का फॉर्मूला आई डी बराबर एप्सल नॉट डी फाइव डिस्प्लेसमेंट करेंट इज द करेंट इन विच वेयर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम देख रहे हो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ में चेंज हो रहा है 64 का जो राइट ऑप्शन होगा जल्दी से टिक करो बी ऑप्शन ये होगा 65 फाइव विच वन इज करेक्ट दैट इज 65 का राइट ऑप्शन वेरी सिंपल यार इसको कोई भी बता देगा म्यू नॉट एच प्लस एम ऑप्शन बी अब ये है सिक्सटी सिक्स द राइट ऑप्शन विल बी सिक्सटी सिक्स का जो होगा वो होगा परमेबिलिटी म्यू इन मैग्नेटिक फिनोमेना में टू वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फिनोमेना 66 सिक्सटी सिक्स का जो राइट ऑप्शन होगा वो आप लोग टिक करोगे आई थिंक सिक्सटी सिक्स है ना जी इसका कंडक्टिविटी तो नहीं होगा चलिए ऑप्शन सी होगा इसका सिक्सटी सिक्स का रेलुक्टेंस इज मेजर्ड इन एमपी पे बिक्सटी 67 का राइट ऑप्शन ए टिक करो 68 इसका डेट टाइम होगा ऑप्शन ए द डेट टाइम ऑफ सिंटिलेशन काउंटर 69 का राइट ऑप्शन जो है यू नो आई थिंक दिस इज द नॉर्मल प्रॉब्लम 70 का राइट ऑप्शन डी होगा 0.0024 फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस 71 का राइट ऑप्शन ए टिक करो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी मोर रेडियो एक्टिव डी के डिपेंड्स अपॉन केमिकल रिएक्शन सेवेंटी टू का राइट ऑप्शन होगा आपका केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है रेडियो एक्टिविटी डी के तो शीट ठीक है इसका डाय मैग्नेटिक सब्सटांस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्शन इज सेवेंटी थ्री का राइट ऑप्शन बी होगा वीक एब अब क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटांस बिकम बहुत बढ़िया जिन्होंने सॉल्व करा है पैरा मैग्नेटिक हो जाता है ऑप्शन नंबर ए और विच वन इज नॉट करेक्ट तो सेवेंटी फाइव का राइट right ऑप्शन देखो ये सही है ये शायद सही है ये भी सही है ये ऑप्शन बी मुझे लग रहा है करेक्ट नहीं है फॉर्मूला गलत है ठीक है जी म्यू नोट एक्स प्लस ये फार्मूला गलत लग रहा है और ट्वेंटी का राइट ऑप्शन जो है वो सही कर लोगे आप लोग डी होगा ट्वेंटी का ऑप्शन डी आशा कर रहा हूँ थोड़ा वीडियो ज़्यादा लेंदी तो जरूर हुआ लेकिन मैंने हर एक क्वेश्चन को लगभग बता दिया एक आध परसेंट मिस्टेक हो सकता है तो उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं आप लोगों के लिए आप लोग कितना स्कोर कर रहे हो दोबारा मैं बता दे रहा हूँ एक मिनट का समय निकाल के जरूर आके बताओगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को इस तरह के आगे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग गॉड ब्लेस यू ऑल